मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट डोडा। आज हमको जो है एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि कुछ कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं वो ये चीज बोल रहे हैं कि महबूब साहब ने मतलब विड्रा किया है। पहले उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि विड्रा करने की डेट चले गई है। अब यहाँ पे शेख महबूब इकबाल जो है नंबर वन पे जो है इस वक्त जा रहे हैं और ये उन लोगों की बौखलाहट है, ये उन लोगों की बौखलाहट है और ये प्रोपोगंडा जो है कर रहे हैं। आपने देखा, आप बिल्कुल हर जगह हमको कवर कर रहे हैं, आपने देखा कि लोगों का सैलाब जो है, लोगों का सैलाब कैसे जो है हमारे साथ उभर रहा है। तमाम हिंदू मुसलमान बिल्कुल बगैर किसी मजहब में मिलत के लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस बार हमारी सीट जो है यहाँ से कन्फर्म है और ये बौखलाहट इनकी है। इस बौखलाहट की वजह से जो है आज ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पूरा भद्रवा, पूरा भलेस, पूरा चुराला, पूरा कैलाड़ जो है महबूब साहब के साथ बिल्कुल लगा है और इनकी बौखलाहट जो है ये बौखलाहट बता रही है कि इनको पता चल गया है कि ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में गई है। और इंशाल्लाह ताला आपको पता खुद लग जाएगा 8 अक्टूबर को कि ये सीट जो है किसके खाते में जा रही है। दूसरी बात यह चीज है कि यहां भद्रवा में, भलेस में, कैलाड़, चुराला में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि विड्रा करने की डेट शेट वो चले गई है। अब यहां पे जो है विड्रा करने का टाइम, वो एक टाइम होता है, लेकिन हम ये चीज अपने लोगों से, अपने तमाम वोटरान से, अपने तमाम वर्करान से ये अपील करते हैं कि ये शोशाबाजी में नहीं आए और इस शोशेबाजी को मत सुने। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इनकी बौखलाहट है, इनको पता है कि इनकी जमीन यहां से खिसक गई है और इनको इस चीज का भी पता लग गया है कि ये सीट जो है यहां पे पहली बार हिस्ट्री में पहली बार भद्रवा में जो है हिंदू मुसलमान जो है हिंदू मुसलमान एक साइड जाके यहां पे डिसाइड कर रहे हैं कि इस बार हमने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में और शेख महबूब इकबाल को यहां से एमएलए बना के हमने असेंबली में भेजना है। ये बकवास कर रहे हैं सिर्फ, इनको और इस बकवास के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लिहाजा हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद जो है आज का यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल शाना बशाना यहां पे काम कर रही है और हर जगह लोगों का हजूम जो है, यहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग यहां पे हैं सभी लोग जो है यहां पे महबूब साहब के साथ जुड़ रहे हैं, जोग दर जोग जो यहां पे आ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहता हूं कि लोग समझ चुके हैं कि हम, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, हमारी जो सबसे रीढ़ की हड्डी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, अगर इस यूथ का कोई बेड़ा पार कर सकती है वो सिर्फ शेख महबूब इकबाल है। अगर यहाँ की बेरोजगारी कोई दूर कर सकता है वो सिर्फ महबूब इकबाल है। अगर यहाँ का काम बेकार, जो जितने ठेकेदार, जितने भी मतलब मजदूरी तबका लोग हैं, अगर उनको कोई यहाँ पे रोजगार दे सकता है, हमारी सड़कें जितनी हैं, जो सड़कों का बुरा हाल है, अगर जिस इलाके में सड़क नहीं है उन लोगों को पता है कि कोई अगर कर सकता है वो सिर्फ शेख महबूब इकबाल है। और दूसरी बात, चुराला, कैलाड़, भलेसा के तमाम लोग जो हैं वो इस चीज को समझ चुके हैं कि इस वक्त जो है शेख महबूब इकबाल ही एक वाहिद ऐसा पढ़ा लिखा इंसान और बगैर किसी मजहब मिलत के जो हिंदू मुसलमान सब लोगों का काम करने का उसने तैयार किया है और अजम किया है कि हमारे बच्चे जो हैं यहां भद्रवा में इन बीजेपी वालों ने यहां पे बेकार कर दिया है। लोग जो हैं ड्रग्स की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं और हम इस बार पूरा जो है आपको दिखाएंगे। लोग शाना बशाना हमारे साथ आ रहे हैं, चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो है 8 तारीख को आपको खुद पता चलेगा कि यह सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में है। और एक बार हम एक रिक्वेस्ट और करते हैं, इस शोशाबाजी में मत आए। ये शोशाबाजी जो है ये सिर्फ गलत लोगों को जो है ये वो कर रहे हैं, गलत लोग जो दो चार इनके रहे हैं वो सिर्फ ये शोशाबाजी फैला रहे हैं, लेकिन इन प्रोपेगेंडों में, इन साजिशों में लोग मत आए। हम आपको एक जिम्मेदार हसीयत से आप लोगों को गुजारिश करते हैं कि इन शोशों में मत आए और इस बार जो है सभी हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे लोग हैं एक पढ़े लिखे इंसान को जो है वोट देकर शेख महबूब इकबाल साहब को कामयाब करें। शुक्रिया।